हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्यूसी। मेरा नाम है निखिल शर्मा। सो आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स हमारे वन शॉट जेई नीट सीरीज का। सो हाइड्रोकार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया है, उसके बाद में हमने किया है आइसोमेरिज्म किया है, ओके, और प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स किया है। ये चैप्टर एज कम्पेयर टू दोज थ्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पे अल्कीन है, अल्काइन है, एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अल्कीन और अल्काइन से पूछे जाता है। एंड इस वीडियो में एमसीक्यू के साथ हम बहुत सारे एक्सप्लेनेशन भी है, हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है 1.2 एडिशन क्या होता है, 1.4 एडिशन क्या होता है, या काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सिन एडिशन कब होगा, ट्रांस एडिशन कब होगा, राइट, व्हाट इज बर्च रिडक्शन, KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट लिया तो क्या रिएक्शन होगा, अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लिया तो क्या रिएक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। पहले तीन ऑर्गेनिक चैप्टर तो काफी इजी थे, बट हाइड्रोकार्बन्स में थोड़ा सा दिमाग हमें यूज करना पड़ेगा। सो नोट्स निकालिए, इसको सॉल्व करिए अच्छे से, देखिए राइट आंसर आता है कि नहीं। चलो डिस्कस करें। विच एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स CH3CH2CHO एंड CH3C डबल, मतलब ये क्या है, प्रोपेनल है और ये एसीटोन है। देखो ओजोनोलाइसिस में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2O3, फर्स्ट स्टेप में O3 डाला, सेकंड स्टेप में ZN डाले, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कैसे आपको सॉल्व करना है, सपोज ये एक एल्कीन है, सिंपली क्या करना है, वो बीच में ओजोनाइट रिंग बनता है, वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट देख रहे हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये यहां पे बीच में आप बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पे O डालो, यहां पे O डालो, तो बचा क्या, ये CH2O डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड O, क्लियर। तो फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। तो अल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे बनाना है वो सीख लिया, बट क्वेश्चन क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड दिया और हमें अल्कीन पूछा है, तो क्या करने का, कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से ड्रॉ करो कि दो ऑक्सीजन आमने सामने हो, फिर क्या करो, दो ऑक्सीजन को निकाल दो और इनको जोड़ दो डबल बॉन्ड के थ्रू, तो ये आ जाएगा। कैसे, अभी इसको ऐसा करते हैं, CH3CH2CH डबल बॉन्ड ओ, ये यही है, इस एसीटोन को ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड ओ CH3CH3, तो इन दो ऑक्सीजन को हम निकाल लेते हैं बीच में से, तो क्या बचेगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CCH3CH3, दिस इज अवर एल्कीन। तो ऑप्शन में ये अपने को सेलेक्ट करना है, ऐसा है क्या कोई कहीं पे, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ये है ना, CH3CH2CH डबल बॉन्ड, हाँ, तो ये आ गया ना आंसर, समझ में आ गया। तो ओजोनोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन आया स्टूडेंट, आप इस तरीके से सॉल्व करिए, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। सो अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर, अभी अपने को ये चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे दो कार्बोनिल कंपाउंड एक ही मॉलिक्यूल में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, सो व्हाट विल डू इज, हम यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकालते हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकालते हैं और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो कितना मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, 5 मेंबर्ड रिंग हो गया। अभी इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेट्स से इफ दिस कार्बन इज ए, सो दिस इज ए कार्बन, अभी ए को क्या अटैच्ड है स्टूडेंट, CH3 अटैच्ड है, ए को क्या अटैच्ड है, CH3, ए के बाजू वाला और उसके बाजू वाला और उसके बाजू वाले पे क्या है, CH3 है, सो और कोई पे तो ब्रांचिंग नहीं है ना, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ए में है क्या ऐसा, नहीं है, डबल बॉन्ड के ऊपर एक CH3 चाहिए, इसमें भी नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों CH3 आ गए, डी ऑप्शन, मतलब एक भी नहीं है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्या होगा, अगर यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया तो अपना आंसर हो जाएगा ना, ठीक है, तो ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी थी, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर, सो दिस इज द राइट आंसर डी, क्लियर। तो देखो दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट ये जो शॉर्टकट हमने यूज़ किया इससे हमको आंसर बड़ी आसानी से आ गया। तो लिखिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो यहां पर है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन्स। नाउ अल्कीन्स का तो समझ लिए सर, अल्काइन्स में कैसा है तो एमसीक्यू बाद में, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो हियर आई हैव एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसमें अगर आप ओजोन डालो स्टूडेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ओके दिस इज द टेम्परेचर, तो व्हाट हैपेंस इज पहले आपको क्या मिलता है ओजोनाइड रिंग, ओके एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन इस तरीके से ओजोनाइड। नाउ अगर आप इसमें जिंक डालो तो जिंक ऑक्साइड मतलब ये वाला पार्ट निकल जाएगा, सो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तोड़ गया ना, तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा, सो उससे क्या मिलेगा एल्डिहाइड, एंड दो एल्डिहाइड आजू बाजू में है तो उसको क्या बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल, अगर दो एसिड आजू बाजू में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कौन सा एसिड अपना ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज ग्लाइऑक्सिल। जब आप H2O2 डालो तो ये ब्रेक होके क्या देगा आपको एसिड देगा, मतलब एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिले। इन शॉर्ट ऐसा समझना है ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के वो साइड में जो कार्बन है दैट इज योर CH, ये आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ सिंस इसके पास एक ही कार्बन है वो साइड में ट्रिपल बॉन्ड के साइड में, सो एक कार्बन का कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, ये भी एक ही कार्बन था तो फॉर्मिक एसिड बना। अगर इसमें देखो सेम है ओजोनाइड डाला जिंक डाला, ओके सो यहां पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड के ये साइड वाला जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इवन दिस विल बिकम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या मिलेगा RCOOH, यहाँ पे R-COOH, देखो लास्ट में वही मिला ना RCOOH R-COOH, ओके बीच में जो आपको मिला है डाइअल्काइल ग्लाइऑक्सिल, मतलब HH होता तो ग्लाइऑक्सिल होता बट HH के बदले RR आ गया तो डाइअल्काइल ग्लाइऑक्सिल, क्लियर। तो जब अल्कीन में ओजोनोलाइसिस करते थे तो एल्डिहाइड या कीटोन मिलता था, यहां पर आपको क्या मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये ब्रेक होके ये कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इवन दिस कार्बन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, ये एसिड हो गया मतलब दो कार्बन का एसिड मिलेगा और एक तीन कार्बन का एसिड मिलेगा, तो ऐसा कौन सा है, ये तो कीटोन है, ये नहीं आएगा आंसर, दो कार्बन का एसिड है तीन कार्बन का एसिड है, तो यहाँ पे आंसर क्या है स्टूडेंट्स बी इज योर आंसर, अंडरस्टूड। तो ये ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, यहां पे चार जो है ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरकनेक्टेड एमसीक्यूज है, देखिए ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। यहां पे रिएक्ट आएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन CH3CH2CHCl2 इज ट्रीटेड विद NaNH2, NaNH2 को क्या बोलते हैं सोडामाइड, द प्रोडक्ट फॉर्मड इज, ना क्या है CH3CH2CHCl Cl, नाउ यहां पे क्या होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब अल्फा कार्बन से हैलोजन निकल जाएगा बीटा से एच निकल जाएगा, ओके सो यहां पे ट्रीटेड विद NaNH2 द प्रोडक्ट फॉर्मड इज, ठीक है। तो यहां से एक क्लोरीन निकालो यहां से एक एच निकालो तो क्या बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं है, वापस से एक बार और NaNH2 आएगा क्योंकि रिएक्शन तो कंप्लीट होगा ना, यहां से वापस Cl और यहां से एच निकलेगा तो क्या मिलेगा CH, क्लियर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन ब्यूटाइन, एक दो तीन ये है वन ब्यूटाइन टू ब्यूटाइन, एक दो तीन ये है टू ब्यूटाइन, तो NaNH2 है एक है HCl अगर इसमें डालोगे तो ऐड हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, यहां पे भी ऐड हो जाएगा कोई मतलब नहीं है, तो HCl तो डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकता, O2 कैसे कर सकता है, ब्रोमीन भी दोनों में जाके ऐड हो जाएगा, बचा क्या NaNH2। नाउ व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स यहां पे ये क्या है CH है और यहां पे क्या है CC है। Now this hydrogen is acidic in nature. This hydrogen is acidic in nature. और ये क्या है? ये बहुत ही strong base है. तो acid और strong base react कर सकते हैं ना? ये weak acid है और strong base है. Now why this is acidic? मैंने previous video में भी बताया था. चलो वापस से बता देता हूँ. Carbon carbon single bond, double bond, triple bond. Carbon carbon single bond को क्या बोलेंगे? sp3 hybridized. इसको sp2 बोलेंगे. इसको sp बोलेंगे.
इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, चार ऑर्बिटल है, चार में से एक ही एस है मतलब 25% है, तीन में से एक एस है तो 33.3% है, दो में से एक एस है मतलब कितना 50% है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना ना, पुल करना मतलब एस ऑर्बिटल की तरफ लेना, ओके, क्योंकि एस अंदर होता है न्यूक्लियस के नजदीक, तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वजह से हाइड्रोजन जो है आसानी से बाहर निकल सकता है एज एच प्लस, ओके। सो NaNH2 इसके साथ रिएक्ट करके ये H हटके क्या आ जाएगा, Na, और हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको मिलेंगे बीकर के अंदर। सो A इज योर आंसर। द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विद सोडियम इन अमोनिया, सोडियम इन अमोनिया मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग, NaNH2 के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, कौन कर सकता है स्टूडेंट यहाँ पे NaNH2 के साथ रिएक्ट, B करेगा ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहीं पे दे दिया, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, एसिड के साथ ही तो बेस रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे आप देखो तो ट्रिपल बॉन्ड CC है, यहाँ पे CH आ गया ना, सो दिस हैज एसिडिक हाइड्रोजन, बाकी किसी के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये CHH नहीं आएगा ना, इट विल बी ओनली C ट्रिपल बॉन्ड, बराबर कि नहीं, ये सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर। चलिए तो एक्सप्लेनेशन पार्ट तो यहीं पे हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद एसिटिलीन, नाउ व्हाट इज एसिटिलीन स्टूडेंट्स, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज एसिडिक इन नेचर, नाउ आप गेस करें ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि वीक एसिड होगा, ये वीक एसिड है यार, वीक है मतलब वीक, कमजोर सा, ना किसी के साथ रिएक्ट करना चाहता है वो, एकदम कमजोर सा आदमी है, तो कमजोर के सामने कोई और कमजोर आ गया तो इसको तो एक्साइट कर ही नहीं पाएगा ना, तो सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको खींच के लेकर जाएगा, चल तू रिएक्ट करने के लिए, बात समझ में आ रही है, तो इफ यू हैव वीक एसिड, वीक के सामने यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ही वो रिएक्ट करेगा। नाउ ये इतना वीक है ना स्टूडेंट्स, ये NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, Na2CO3 तो दूर की बात है, ये KOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, बट हाँ ये NaNH2 के साथ कर लेता है, NaNH2 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू NaOH, NaNH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। ये टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है, टोलेंस रिएजेंट ये Na के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, कैसे, यहां से H हटेगा Na आएगा, टोलेंस रिएजेंट में Ag+ होता है ना, तो H हट के Ag+ आएगा, H हट के यहां पे Na आ जाएगा इस तरीके से। सो AgNO3 के साथ तो रिएक्ट करेगा, ये सोडियम के साथ भी करेगा, HCl भी अंदर जाके ऐड हो जाएगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और क्या 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 Na2CO3 KOH इन सब के साथ भी नहीं करेगा, किसके साथ करेगा वो भी मैंने लिस्ट आपको दे दिया है। सो ये जो चार MCQs थे ये बेसिकली रिलेटेड किसके थे, एसिडिक हाइड्रोजन के रिलेटेड थे, और ये बता रहे थे कि अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, तो अल्काइन ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद में अल्कीन और उसके बाद में अल्केन, नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ता है। सो यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड के ऊपर क्वेश्चंस है, ओके, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलराइट, तो आप इनको सॉल्व करिए, मैंने मैकेनिज्म वहां पे लिखा है, वो आपको मदद करेगा। कर लिया सॉल्व स्टूडेंट्स, ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू मैकेनिज्म फर्स्ट। सो देखो HOCl, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ क्या होता है, H2O मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, Cl+, रिमेंबर दैट, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है ना, बच्चों को ऐसा लगता है कि ये डिसोशिएट होगा और देगा H+ + OCl-, बात बराबर है, बट व्हेन यू रिएक्ट विथ अल्कीन्स या अल्काइन्स इन द एसिडिक मीडियम, दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड, फर्स्ट H2O एंड देन Cl+, ऑलराइट, ठीक है। सो Cl+ को ऐड होना है, तो पहले तो देखो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाया, अब आप लोग मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज ये फर्स्ट कार्बन पे आएगा तो बेटर है कि सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन में ना, बिकॉज कार्बोकैटायन सेकेंडरी विल बी मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो सेकंड पे प्लस आ गया। अभी H2O के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, इजंट इट, एंड देन डी प्रोटोनेशन होगा एंड दिस इज द प्रोडक्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसके अंदर HCl ऐड करते थे, H+ Cl-, तो ये कौन से रूल के हिसाब से ऐड होता था, मार्कोनिकोफ रूल, हम अमीर को क्या करते थे, और अमीर बनाते थे, जो अमीर है उसको पॉजिटिव वाला पार्ट देते थे,
बात बराबर है कि नहीं? एच ओ सी एल में ध्यान से देखिए, ये सी एल तो आगे जाके प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर आपके पास ओ एच माइनस है, तो ये भी सेम चीज़ है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे याद रखना, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पे प्लस वाला पार्ट जो अमीर है आप उसको दे दो, देखो अमीर है उसको दे दिया ना, और जो गरीब वाला है उसके पास ओ एच आ गया। क्लियर? मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से ही आप सॉल्व करो, तो मैकेनिज्म पूरा तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ इतना याद रखना ये कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है इसके बीच में। तो आई होप आपको इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा। द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ एच ओ सी एल प्रोसीड्स थ्रू द इंटरमीडिएट, यहाँ पे कार्बोकटाइन दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो पहले क्या ऐड होता है? पहले क्लोरीन ऐड होता है ना स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन ये सी आंसर होगा ना, क्लोरीन ऐड हो गया और सेंटर वाले कार्बन पे प्लस चार्ज, सो सी इज योर आंसर। अब यहाँ पे क्या दिया? एसिटिलीन दिया है, ओके एसिटिलीन दैट इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, प्लस क्या ऐड करेंगे? एच ओ सी एल। तो यहाँ पे ओ एच कहाँ ऐड करें, सी एल कहाँ ऐड करें? कहीं पे भी ना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो देखो सी एच, यहाँ पे मैं सी एल ऐड कर देता हूँ, ठीक है, डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, अभी भी डबल बॉन्ड है तो वापस से एच ओ सी एल ऐड हो सकता है। क्लियर? तो वापस से सेम चीज, सी एच सी एल, यहाँ पर अगेन सी एल आएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच ओ एच। नाउ एक ही कार्बन पे दो अल्कोहल बहुत मुश्किल है, ज़्यादा अल्कोहल नहीं पी सकता एक कार्बन तो, और ज़्यादा पी लिया तो क्या निकालेगा बाहर? एच टू ओ, तो यहाँ से एच टू ओ निकल जाएगा। सो क्या बचेगा? सी एल सी एच सी एल, और ये क्या बन जाएगा? सी एच ओ। सो ऐसा कोई ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दो क्लोरीन है और बाजू में सी एच ओ है, सी इज अवर आंसर। क्लियर? तो एच ओ सी एल कैसे ऐड होता है ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया, तो इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे तीन एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आप हैलो एसिड्स ऐड करोगे, एच सी एल एच बी आर एच आई अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ रूल। सॉल्व करिए इनको। ओके लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन देन। क्या बोल रहा है फर्स्ट वन? रिएक्शन ऑफ एच बी आर विथ प्रोपीन, वॉट इज प्रोपीन? सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ओके एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड एच टू ओ टू, तो एच बी आर है पर ऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिक ऑफ जाएगा। क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ? अमीर को गरीब करना है और गरीब को अमीर, तो यहाँ पर एच डाल देंगे, सी एच थ्री सी एच टू हो जाएगा सी एच टू बी आर, तो क्या आना चाहिए? ये क्या है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ऐसा कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। सिंपल क्वेश्चन, When HCl gas is passed through propene in the presence of benzoyl peroxide, propene again, तो यहाँ पर है स्टूडेंट सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, आप क्या डाल रहे हो? HCl डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, इन यहाँ पे एच टू ओ टू ही लिख लेता हूँ, बेंजोइल peroxide, हाइड्रोजन peroxide कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ याद रखो एच टू ओ टू peroxide एच बी आर के केस में ही काम में आता है, एच सी एल डालो और पर ऑक्साइड डालो, एच सी एल मार्कोनिकोफ रूल ही दिखाएगा, समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एच बी आर के केस में ही एंटी मार्कोनिकोफ हो सकता है, बाकी किसी के केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे मार्कोनिकोफ मतलब अमीर को अमीर कर देना है, तो सी एच थ्री सी एच सी एल और यहाँ पे क्या आएगा? सी एच थ्री, तो यहाँ पर टू क्लोरो प्रोपेन आ रहा है, ये रहा टू क्लोरो प्रोपेन, बी इज योर आंसर। यहाँ पे दिया है ट्रिपल बॉन्ड HCl, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस HCl, तो मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से ऐड होगा, अमीर को अमीर कर देंगे, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन, वापस से क्या डाल रहे हैं? HI डाल रहे हैं, अमीर को अमीर करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा, सी एच टू सी सी एल और यहाँ पे क्या आएगा? आई और ये सी एच थ्री। ऐसा कोई है सेकेंड वाले कार्बन पे सी एल है और आई है in this option, isn't it? So C is our answer here. Understood? So ऐसे simple question पूछे जाते हैं, सिर्फ इसमें confuse मत हो जाना, HCl जो है peroxide डाला या नहीं डाला वो Markovnikov rule ही दिखाएगा, anti Markovnikov सिर्फ HBr में आता है, note down करें, फिर इसके बाद हम rearrangement भी होगा Markovnikov rule में, वो कैसा होता है उसको discuss करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एमसीक्यू लिखा है स्टूडेंट्स मैंने, एडिशन ऑफ एचबीआर इन अल्कीन, और आपको मेजर प्रोडक्ट ढूंढना है, तो जल्दी ढूंढ लीजिए। ढूंढ लिया, ठीक है। अभी
यहाँ पे क्या है, अमीर को अमीर कर देंगे H और यहाँ पे BR, तो आंसर बच्चे क्या मार्क कर लेंगे, ये वाला, बट दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आप HBr डाल रहे हो। पहला स्टेप है कि पॉजिटिव आयन ऐड होगा, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड में Cl+ को ऐड किया था, यहाँ पे H+ ऐड हो रहा है। नाउ H+ कहाँ पे ऐड होगा, अमीर को अमीर ना, H यहाँ पे चला जाएगा, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, और ये कार्बन ने तो जुगाड़ लगा लिया एक हाइड्रोजन का, बेचारे इसका नुकसान हो गया, तो इसके टकले पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या ये 2 डिग्री 3 डिग्री में रीअरेंज हो सकता है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि इसके बाजू वाला कार्बन इज 3 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। सो उसके वजह से क्या आ जाएगा, CH3 CCH3 CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ऐड होगा क्या, Br- सो यू विल गेट CH3 CCH3। अब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा Br, देन यू हैव CH2 CH3, तो कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट सही, ए इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया, तो ये था एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट याद रखिएगा, स्टार मार्क करके रखिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, करिए नोट डाउन, आगे बढ़ते हैं। अगेन एडिशन रिएक्शन के 2 MCQs है यहाँ पे, यहाँ पे एडिशन ऑफ HBr है, वहाँ पर एडिशन ऑफ H2O है, राइट, एसिड हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन बोल सकते हैं उसे, ठीक है। पहला वाला डिस्कस करते हैं HBr। ना बच्चों को यहाँ पे लगेगा सर ये दोनों ना अमीर ना गरीब सेम सेम लग रहे हैं, CH, तो पॉजिटिव चार्ज के उनसे कार्बन के ऊपर आएगा, ये वाला कि ये वाला। सी बेंजाइल, ये जो ग्रुप है बाहर C6H5, ये फिनाइल रिंग है, राइट, फिनाइल है ये। ना फिनाइल के बाहर जो कार्बन है अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये बॉन्ड हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देता हूँ, तो H+ तो ऐड कर दिया, अभी क्या Br-, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आगे जाके Br-, सो दिस वुड बी द स्ट्रक्चर। ऐसा कोई है एग्जाम्पल ABCD, डी में है ना, सो डी इज अवर आंसर, क्लियर। H2O ऐड करना है, इन शॉर्ट HOH ऐड करना है आपको, H+ and OH-, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म का भी मदद लेना पड़ेगा अपने को, चलो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं। तो इन दोनों कार्बन में से प्लस किसके ऊपर आना बेटर है, ये वाले कार्बन के ऊपर, तो CH3 CCH3 CH3 CH, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा CH3, क्लियर। अभी ये तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया ना, और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, यस ये CH3 आगे जाके शिफ्ट हो सकता है ना स्टूडेंट, CH3 CCH3 CH, यहाँ पे CH3 CH3, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा ना, इज़न्ट इट, अभी ये 3 डिग्री बन गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पर आपका आएगा OH, सो यू विल गेट OH- आएगा CH3, और यहाँ पे CH3, यहाँ पर आएगा OH CH3 3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको सब में, ये तो नहीं होगा, आई थिंक ये वाला आंसर है ना, यस सी इज द आंसर। अगर किसी को कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं पता होगा वो क्या करेगा, अमीर को अमीर गरीब को गरीब, यहाँ पे OH डाल देगा और ये वाला आंसर मार्क कर देगा, बट नहीं, रीअरेंजमेंट का इसके पहले भी किया था और अभी भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आंसर है C, तो इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट स्टेप के MCQs अभी कुछ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सिंगल MCQ मैंने लिखा है यहाँ पे, सो पहले रीड कर लेते हैं इसको। रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ 1.3 ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस गिव्स प्रीडोमिनेंटली, ओके, तो क्या दिया है, वन मॉलिक्यूल ऑफ HBr, वन मॉलिक्यूल ऑफ 1.3 ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस। अभी तक जो भी एडिशन कर रहे थे उसमें एक ही डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, और टेम्परेचर भी मैंशन किया है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शंस देखो थोड़े से आपको अलग लगेंगे, 3-bromobutene अंडर काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, 1-bromo-2-butene अंडर थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, 3-bromobutene अंडर TCC थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, 1-bromo-2-butene अंडर काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन। तो
ये इसका आंसर देने के लिए यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट या 1.2 एडिशन 1.4 एडिशन। चलो मैं वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके, चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख ली है ताकि टाइम बच जाए हमारा। नाउ दिस इज 1.3 ब्यूटाडाइन। आप अगर इसमें एक मॉलिक्यूल या वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr डालते हो तो या तो यहाँ पे HBr ऐड हो सकता है इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं 1.2 एडिशन, मतलब आजू बाजू में ऐड हुआ ना। या तो फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगा और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। सो इसको क्या बोलेंगे 1.4 एडिशन। अब ये देखना है कि 1.2 एडिशन कब होगा, 1.4 एडिशन कब होगा। नाउ लेट्स से ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, तो कार्बोकटायन कहाँ पर बनना चाहिए, ये फर्स्ट कार्बन पे कि सेकंड कार्बन पे? सेकंड पे बनना चाहिए ना, बिकॉज सेकंड डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल। तो ये देखो ये वाला कार्बोकटायन हमने लिया है। अभी इसमें अगर आप Br- ऐड करो तो चुपचाप यहाँ पे जाके Br ऐड हो जाएगा, तो इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे, 1.2 एडिशन बोलेंगे। अभी ये जो डबल बॉन्ड है रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे जा सकता है, अगर यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री कार्बोकटायन होगा, एग्जैक्टली 1 डिग्री होगा। देखो इसलिए इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है बराबर, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है। क्लियर, तो लेस स्टेबल है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट। Br- दिखाने के चिपक जाएगा यहाँ पे तुरंत, तो ये प्रोडक्ट आएगा आपको। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल था, ये फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट स्टेबल था। क्लियर, ये दो प्रोडक्ट में से स्टेबल कौन है बताओ, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके बाजू में जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे सिर्फ वन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बन सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो अब प्रोडक्ट में देखो तो प्रोडक्ट में तो ये भाई साहब स्टेबल है ना, और ये भाई साहब एज कंपेयर टू दैट इट इज लेस स्टेबल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरमीडिएट ये स्टेबल था बट प्रोडक्ट के कंपेरिजन में दिस इज लेस स्टेबल, दैट इज मोर स्टेबल। ऑलराइट, अभी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा रेट, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेबल ना, इसलिए फटाफट रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा नहीं, बना तो फिर हो जाएगा रिएक्शन। ओके, इसको ज्यादा तापमान में करेंगे तब जाके ये इंटरमीडिएट आएगा, बात समझ में आ रही है? तो इफ योर प्रोडक्ट इज स्टेबल इट इज कॉल्ड एज थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड इफ योर इंटरमीडिएट वॉज स्टेबल सो द रिएक्शन इज वेरी फास्ट सो इट इज कॉल्ड एज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अब ये देखो ये ग्राफ है, ये टेम्परेचर है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज टू हाई, मतलब रिएक्शन को बहुत टाइम लग रहा है वहां तक जाने के लिए, तो कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा ना, क्योंकि इंटरमीडिएट थोड़ा लेस स्टेबल था तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो दिस इज थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। कब होता है ये, हाई टेम्परेचर्स पे होता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कब मिलेगा, व्हेन द टेम्परेचर इज लो। कितना लो सर, -25 डिग्री सेल्सियस, ऐसा सब होगा तब काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखो तापमान है तो टेम्परेचर टी, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा। थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट क्या है, 1.4 एडिशन। क्या है, 1.4 एडिशन। देखो टेम्परेचर ज़्यादा नंबर्स भी ज़्यादा, टेम्परेचर लो है तो नंबर भी लो है, 1.2 लो नंबर है। ठीक है, सो बताइए अब आप गैस करिए, अब आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए कौन सा आंसर होगा। गैस कर लिया, सो आंसर तो यही होना चाहिए ना, 1.4 एडिशन प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स बताओ, 1, 2, 3, 4, 1-bromo, 2-butene, isn't it? ऐसा कहीं पे है, ये तो नहीं है, हाँ ये दिख रहा है, ये नहीं है, ये दिख रहा है, 1-bromo, 2-butene, 1-bromo, 2-butene, बट इज इट थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड की काइनेटिकली कंट्रोल, ये क्या है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल, तो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल। सो ये आपका आंसर है, दिस इज नॉट द आंसर। सो यहाँ पर बी हो गया।
बात समझ में आ गई? सो बताइए, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कौन सा कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा? थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, टीटी याद रखो, मोर टेम्परेचर। और 1-4 एडिशन की 1-2 एडिशन, इट विल बी 1-4 एडिशन, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो ये नंबर भी ज्यादा, ओके? उल्टा उसका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हो जाएगा, राइट? सो आई होप ये आपको समझा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट डाउन करें इसे। 17, 18 and 19 MCQs हो जाएंगे, जल्दी आप इसको सॉल्व करिए। कर लिया? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2.2 डाइब्रोमो प्रोपेन? प्रोपेन बोले तो तीन कार्बन, तो इसमें तीन कार्बन है, चांसेस है इसमें बन जाए, इसमें भी तीन कार्बन है, इसमें तो दो ही कार्बन है, तो ये तो बिल्कुल भी आएगा नहीं, एंड इनफैक्ट ये भी नहीं आएगा बिकॉज हमें 2.2 डाइब्रोमो चाहिए, बट यहाँ पे एक ही ब्रोमो है, तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। चलो पहला वाला सॉल्व कर लेते हैं। CH3CE ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2HBr, isn't it? तो अमीर को अमीर करना है, राइट? तो दोनों हाइड्रोजन इसी को देंगे ना हम लोग, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड कर लेते हैं, और दोनों हाइड्रोजन इसी को देना है ना, तो ये 3 हो जाएगा, और दोनों ब्रोमीन इसी को देना है, तो ये Br हो जाएगा और ये Br हो जाएगा। पूछा क्या है अपने को? 2.2 डाइब्रोमो, यस, Ar है ना। बी भी एक बार चेक कर लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CHBr। अभी बीच में कार्बोकैटायन आया तो बेटर है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे आगे जाके Br आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो Br तो अलग अलग पोजीशन पे आ गया ना, सो आंसर इज अवर ए, क्लियर? ऑन वार्मिंग अ सर्टेन अल्केन विथ क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग इट विथ यूवी लाइट, ओके, इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो अल्केन। नाउ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोनोक्लोरो अल्केन, एक मोनोक्लोरो अल्केन या दो मोनोक्लोरो अल्केन, ऐसे। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का मतलब क्या? एक कार्बन है उसके ऊपर दो सेम ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर? ये आइसो ग्रुप हो गया, 3, 4, 5, दिस इज आइसोपेंटेन। बी ड्रॉ करते हैं नियोपेंटेन। वॉट इज नियोपेंटेन? इट लुक्स लाइक दिस, प्लस साइन, दिस इज नियोपेंटेन, पांच कार्बन है ना, 1, 2, 3, 4, 5। सी क्या है अपना? प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। डी क्या है? पेंटेन, क्लियर? मोनोक्लोरो अल्केन मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सेम तरीके के हाइड्रोजन होने चाहिए, देर शुड बी नॉट डिफरेंट हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या? ये क्या है? CH3 है, और ये क्या है? CH है, तो मैं अगर यहाँ पे क्लोरीनेट करूँ और दूसरे एक रिएक्शन में यहाँ पे क्लोरीनेट करूँ, सो आई विल गेट टू डिफरेंट कंपाउंड्स। बात समझ में आ रही है? बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3, बीच में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मैं कहीं पे भी क्लोरीन अटैच करूँ, मुझे हमेशा सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, सो दैट मीन्स आई विल गेट ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो गया? बी। यहाँ पे क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे अटैच करूँ या बीच में अटैच करूँ, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे। यहाँ पे ये इधर अटैच कर दो, सेकंड पे अटैच कर दो, थर्ड पे अटैच करो, तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। सो अपना आंसर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? बी। अब ये क्या बोल रहा है? आइसोमर ऑफ हेक्सेन विच कैन गिव टू मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड। तो आप सोचिए क्या आंसर होगा इसका? टू मोनो मतलब दो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप क्लोरीन कर डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, और यहाँ पे भी डाल सकते हो, यहाँ पे तो तीन अलग अलग कंपाउंड आपको मिल सकता है। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, ब्यूटेन, 1, 2, 3, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, इजंट इट? आप अगर बीच से काटो तो ये फर्स्ट वाला हिस्सा और सेकेंड वाला हिस्सा सेम है, तो आप सेकेंड वाले में आप तो या तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच करो या तो यहाँ पे। ऊपर वाले में अटैच करके मतलब नहीं है, बिकॉज ये मिथाइल और ये मिथाइल सेम है ना, तो यहाँ पे दो अलग अलग हाइड्रोजन है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। चलो चेक करना है तो इसको भी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ओके, 2.2। अब यहाँ पे तीन मिथाइल सेम है, तो चलो ये वाले मिथाइल पे एक या तो फिर इस पे डाल सकते हो या तो फिर इस पे डाल सकते हो, यहाँ पे तीन अलग अलग मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड आ सकता है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 2 मिथाइल, यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अलग अलग प्रोडक्ट आ सकते हैं, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बी। ऑलराइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मोनोक्लोरिनेटेड और 2 मोनोक्लोरिनेटेड, इस तरीके से। सो आई होप आपको समझा होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। 20 एंड 21 क्वेश्चन, ऑलराइट।
नाउ पहला वाला ये सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक काम करो, आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड वीडियो को पॉज करके समझो। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग Al2O3, राइट। अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल प्लस आप अल्कोहल के ऊपर क्या डाल रहे हो, Al2O3, और यहाँ पे तापमान होता है 300 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मिलता है अल्कीन। बट वहीं पे अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया 220 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर तापमान ले लिए, तो आपको ईथर मिलेगा, अल्कीन नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर होता है। ना ये एक अल्कीन दिया है ऑन रिएक्शन विद NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। नाउ KMnO4 का रिएक्शन इन अल्कीन्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो इसको समझते हैं। पहला मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। कोल्ड अल्कलाइन को क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सीलेशन होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सीलेशन, दो OH ऐड होता है। जैसे ये मैंने अल्कीन लिया है, इथीन, इथीन में आप H2O डालो और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, KMnO4 से आया। व्हाट हैपेंस, ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, देखो इस तरीके से सिस प्रोडक्ट मिलता है, या इसको बोलते हैं सिन एडिशन। दोनों OH एक ही साइड में ऐड होंगे। ओके, मतलब अगर एक OH को अगर आपने इस तरीके से सॉलिड लाइन में लिखा है, तो दूसरा भी ऐसे सॉलिड लाइन में होगा। एक ऐसा डैश लाइन में लिखा है, तो दूसरा भी डैश लाइन में होगा। इसको बोलते हैं सिन एडिशन। ग्लाइकॉल मिल गया, यहाँ पे भी देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH ऐड हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सिन एडिशन। और कौन सिन एडिशन करता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये भी हाइड्रोक्सीलेशन ऐसा ही करता है। इसमें भी क्या होता है, सिन एडिशन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में लिखेगा इसको। बट अगर H2O2 है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड, ये दोनों मिलके भी हाइड्रोक्सीलेशन करता है, बट ये लोग एंटी एडिशन दिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी एडिशन दिखाते हैं। मतलब अगर एक OH आपका ऐसा सॉलिड लाइन पे है, तो दूसरा ऐसा डैश लाइन पे होगा। ओके, दूसरा ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक और हॉट KMnO4 या K2Cr2O7। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हॉट मतलब और ज्यादा पावरफुल हो गया ये। तो सबसे पहले तो नॉर्मली आपको ग्लाइकोल ही बनाना है। ग्लाइकोल बन गया और आगे जाके ये ऑक्सीडाइज होगा। देखो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज और किस में कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में कर सकते हो। तो और ऑक्सीडाइज हुआ, तो व्हाट हैपेंस इज, किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है ध्यान दो। ओके, ये दोनों दोस्त है और दोनों के पास दारू की बॉटल है, तो ये क्या करता है, बॉटल फोड़ देता है और इनकी दोस्ती भी तोड़ देता है। बोलो क्या, बॉटल फोड़ देता है, दोस्ती तोड़ देता है। बॉटल फोड़ दिया, दोस्ती तोड़ दिया, बचा क्या, CH3CHO, और यहाँ पे क्या बचा, CH2O, फॉर्मालडिहाइड बचा। अभी फॉर्मालडिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज किया तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, क्लियर। एसिटाइल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, डन। अब यहाँ पे भी देखो, अभी अच्छा ऊपर पहले ट्रिक समझ लेते हैं कि कैसे याद रखें इसको, ओके, पूरा महाभारत तो लिखना नहीं एग्जाम में। अब देखो, अगर डबल बॉन्ड में ये CH आया, तो CH3CH है, CH3CH फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। बट ये जो छोटू है CH2 है, ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब सर, CH आएगा तो हमें एसिड मिलेगा, और CH2 आएगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आगे जाके। अब इस केस में देखो, CH आया, दोनों साइड में CH है, तो ये टूट जाएगा यहाँ से, और ये पार्ट एसिड बनेगा, ये वाला पार्ट भी एसिड बनेगा, इसलिए दो एसिटिक एसिड आए। देन अब यहाँ पे तो सर, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ कीटोन तक रुक जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, क्लियर, ओजोनोलाइसिस की तरह, गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो, अगर CH2 होगा तो आगे जाके क्या हो जाएगा, CO2 में, अगर CH होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और सिर्फ C रहेगा तो क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, तो ये आपके नोट्स में लिखिएगा। अब ये KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ NaIO4, ओके, इन शॉर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशंस ओनली, पावरफुल कंडीशन, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस। ओके, KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 पहले ग्लाइकोल बना देगा, और ग्लाइकोल बनाने के बाद ये उनको तोड़ेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये CH है, देखो CH होगा तो क्या होगा, एसिड, तो ये वाला पार्ट आपका एसिड बन जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, कीटोन, तो ये एसीटोन और ये एसिटिक एसिड। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, एसीटोन एंड एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन में, सो सी इज योर राइट आंसर। गट द आंसर,
तो इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमारे 25 MCQs हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सो जल्दी से इनको सॉल्व करिए, फटाफट इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ओके, तो पहला क्या है, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। नाउ इथाइल बेंजीन क्या है, CH2CH3 विद KMnO4। नाउ ये जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी है ये रिएक्शन, टू बी मोर स्पेसिफिक एल्डिहाइड कीटोन्स में ही आ जाता है। ओके, Now, what happens? KMnO4 attacks this carbon. इस कार्बन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेंजाइलिक कार्बन। अभी यहाँ पे एक कार्बन होता है, दो कार्बन है या दस कार्बन है, KMnO4 attacks only the बेंजाइलिक कार्बन, provided बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, because mechanism में बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी involved है। So इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। Now KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग है, किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल एल्डिहाइड के एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो पूरा एंड तक ऑक्सीडाइज करेगा COOH। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज व्हाट बेंजोइक एसिड, सो सी इज योर आंसर। ओके, बेंजोफिनोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पर भी आपका बेंजीन है। एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड और एक साइड में CH3 है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइल, ये दिस इज बेंजाइल ग्रुप एंड ये OH, बेंजाइल अल्कोहल। बट हमारा आंसर क्या है, बेंजोइक एसिड। विच वन हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ओके, आइसोब्यूटेन, व्हाट इज आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन, वन ब्यूटाइन, एक दो तीन, दिस इज वन ब्यूटाइन, वन ब्यूटीन, दिस इज वन ब्यूटीन, एक दो तीन, दिस इज एन ब्यूटेन। ऑलराइट, हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ओके, मिनिमम, सब लोग ब्यूटेन ब्यूटाइन ब्यूटीन है। ओके, नाउ अल्केन्स तो कंप्लीटली नॉन पोलर है ना, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत एसिडिक नेचर की वजह से चार्ज आ सकता है, तो अल्केन में से कोई तो आंसर चूज करना है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट बोला है ना, ब्रांचिंग अगर ज्यादा है, सॉरी, अगर लीनियर चेन है स्टूडेंट्स, लीनियर चेन है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वैंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा होगा, उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। बट हमें तो मिनिमम पूछा है ना, तो ये तो समझ में आ गया, स्ट्रेट चेन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मतलब ब्रांचिंग अगर आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, नो, तो इसमें देखो ब्रांचिंग है, सो ए इज योर आंसर, ए के पास मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। टू मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, टू मिथाइल ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, टू मिथाइल ब्यूटेन रिएक्टिंग विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ यहाँ पर बहुत सारे कार्बन है जहां पे अटैक हो सकता है, बट याद रखो 3 degree कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन 2 degree देन 1 degree, तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, सो योर आंसर वुड बी दिस। सो यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, तो 2-methyl और 2-bromobutane, 2-bromo-2-methyl-butane, आंसर क्या है आपका, बी। ओके, सो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, 3 degree कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन 2 degree देन 1 degree, क्योंकि सनलाइट यूज किया है, सनलाइट बोले तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल में यही सीक्वेंस आता है। ओके, टोलुइन, तो मैं यहाँ पे टोलुइन ड्रॉ कर लेता हूँ, टोलुइन, सो ये रहा टोलुइन, टोलुइन इज नाइट्रेटेड, तो HNO3 NH plus H2SO4 डाला होगा, ना CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट, तो पैरा पोजिशन पे NO2 आ जाएगा, इज नाइट्रेटेड, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज रिड्यूस्ड विथ टिन एंड HCl, तो यहाँ पे SN और HCl ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देंगे, NO2 को किस में रिड्यूस कर देंगे, NH2। उसके बाद में डायएजोटाइजेशन हो रहा है, तो NH2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायएजोनियम सॉल्ट, और क्योप्रस ब्रोमाइड डाला है तो आपका ये हो जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये नाइट्रोजन पूरा हटके Br आएगा, सो योर आंसर वुड बी, यहाँ पे CH3 है और इसके सामने क्या है, Br है, सो अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो टोलुइन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो, हाँ सही तो बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो पैरा प्रोडक्ट बनाया ना, ऑर्थो पे भी तो नाइट्रेशन हो सकता था ना, अगर ऑर्थो पे नाइट्रेशन होता तो ऑर्थो पे ब्रोमो आता था, तो अपना आंसर है ब्रोमो टोलुइन, और कहीं पे है क्या, यहाँ पे भी ब्रोमो टोलुइन है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स मेटा दिया है, CH3 इज व्हाट, CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो अपना आंसर होगा ए। तो ये थे 25 MCQs, कुछ और MCQs करते हैं, देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 MCQs मैंने लिखे हैं, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो इस तरीके से आप सॉल्व करिए, देखो तीनों क्वेश्चन,
लास्ट वाला जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिलेटेड है. चलिए, द ट्रीटमेंट ऑफ सी एच थ्री एम जी एक्स दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद दिस अल्काइन प्रोड्यूसेस व्हाट. ना देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद है जब भी हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करते हैं तो एरो के ऊपर ड्राई इथर लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? ड्राई इथर इज नॉन पोलार सॉल्वेंट, पोलार सॉल्वेंट से दूर रखा जाता है इसको. क्यों? देखो, सी एच थ्री एम जी एक्स, एम जी प्लस होता है तो ये माइनस होगा. इसके सामने अगर H प्लस मिल गया ना इनको, तो ये सी एच थ्री जो है ये H के साथ भाग जाएगा और सी एच फोर बना देगा. वैसे ही क्या हुआ है, सी एच थ्री एम जी एक्स प्लस, अच्छा ये H प्लस किससे आ सकता है? वाटर से आ सकता है, अल्कोहल से आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आ सकता है, इससे भी तो आ सकता है ना. सर इससे कैसे आ सकता है? अरे भाई ये वाला देख, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये H प्लस जो है यहाँ पे चला जाएगा और बनाएगा क्या? सी एच फोर. सो डी इज योर आंसर. एक हाइड्रोकार्बन बनाएगा, अल्केन बनाएगा. द ट्रांस अल्कीन आर फॉर्म्ड बाई रिडक्शन ऑफ अल्काइन्स विद, अल्काइन से अल्कीन बनाना, बट कौन सा? ट्रांस अल्कीन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बोर्ड्स के लिए तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे. बट यहाँ पे देखो, मैंने समरी लिख लिया पूरा. ये अल्काइन है आपका, अगर आप हाइड्रोजन डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, जो कि हम हमेशा करते ही हैं, या तो फिर विल्किंसन कैटलिस्ट. ये देखो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये रोडियम, ये क्लोरीन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आता है. या तो फिर H2PD बासोफोर, लिंडलार्स कैटलिस्ट या लिंडलार्स रिएजेंट. ये जब भी यूज करोगे ना तो आपको सिस कंपाउंड मिलेगा. देखो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में ऐड हो गया. बट अगर आप सोडियम प्लस लिक्विड NH3, बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको, या बिर्च रिडक्शन, ओके, इससे आपको देखो एक H नीचे एक H ऊपर ट्रांस मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी. वो कैसे मिलता है, मैकेनिज्म, वो सब फिलहाल नहीं पढ़ रहे, और वो इतना जरूरी भी नहीं है. सिर्फ आप इतना याद रखो, कौन सिस दिखाता है, कौन ट्रांस दिखाता है. जैसे इसके पहले हाइड्रोक्सीलेशन में मैंने बताया था, बेयर्स रिएजेंट या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिस सिन एडिशन दिखाते हैं, और ट्रांस कौन दिखाएगा या एंटी एडिशन कौन दिखाएगा? H2O2 इन फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा. यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट इन HCl, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इथाइल बेंजीन. नाउ एनहाइड्रस AlCl3 मतलब ये आपका फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन हो गया. तो फ्रिडलक्राफ्ट में क्या है? बेंजीन है. देखो सब रिएक्शन में बेंजीन 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 बेंजीन, तो हमेशा हम क्या करते हैं? बेंजीन प्लस CH3. अच्छा अपने को क्या चाहिए? इथाइल चाहिए ना, तो CH3CH2Cl. बट ऐसा कुछ दिया है क्या? इथाइल क्लोराइड कहीं पे भी नहीं दिया इथाइल क्लोराइड. यहाँ पे आंसर क्या है ना स्टूडेंट? सी है. अब आप बोलोगे सर ये तो इथाइल नहीं है, इथीन है. सी व्हाट हैपेंस इज, आई जस्ट इरेज दिस पार्ट, ओके. What happens is CH2 double bond CH2. Now since HCl है तो पहले क्या होता है? H plus add हो जाता है, तो then you get CH3CH2 plus. और जो Cl minus है वो कौन लेके चला जाता है? AlCl3, because इसका तो octet complete नहीं है ना, तो ये कौन सा complex बनाता है? AlCl4 minus. Okay? तो ये हो गया ना, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया ना, यही तो चाहिए था. और बेंजीन के साथ अगर ये आगे जाके रिएक्ट करेगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होके इथाइल आ जाएगा. That's the reason C is your answer. Got it? I hope student, हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे. ओके, और आप नोट्स अच्छे से बना, नोट्स बना रहे हो तो ही फायदा होगा यार, नहीं तो नो यूज. करिए इसको. यहाँ पर लास्ट 5 MCQs है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से दिल लगा के आप लोग सॉल्व करिए. देखो पांचों के पांचों राइट आने चाहिए. 33 MCQs हो जाएंगे टोटल, हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर में 30 इंपॉर्टेंट MCQs. ओके, सो लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्सचर ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन. लिक्विड में क्यों है? क्योंकि उसका मॉलिकुलर मास ज्यादा होगा. अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो उसका मॉलिकुलर मास अगर छोटा कर दिया तो गैस में कन्वर्ट हो सकता है. तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स क्रैकिंग. क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? एक लॉन्ग चेन कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करो लॉन्ग चेन में, उसको बोलते हैं क्रैकिंग. तो यहाँ पे बी इज द आंसर, दैट इज क्रैकिंग. मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ईएस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन. देखो बेंजीन है, बेंजीन के सामने आप इलेक्ट्रोफाइल डालो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो बेंजीन हैज टू बी नेगेटिव, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होना चाहिए. तो टोलुइन क्या है? बेंजीन के ऊपर क्या होता है? CH3. बेंजोइक एसिड में क्या होता है? COH. और नाइट्रो क्या है? NO2. तो नाइट्रो तो विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, बट CH3 इज डोनेटिंग नो, तो अपने को तो डोनेटिंग ग्रुप ही तो चाहिए. तो ए इज द आंसर. मोस्ट डीएक्टिवेटिंग फॉर ES. डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या? देखो डोनेट करेगा तो रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, बट अगर विड्रॉ कर रहा है तो डीएक्टिवेट कर रहा है. सो दैट मीन्स वी वॉन्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो SO3H विड्रॉइंग है, COH भी विड्रॉइंग है, NO2 भी विड्रॉइंग है, C ट्रिपल बॉन्ड N भी विड्रॉइंग है.
तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसमें देखा सीक्वेंस याद रखना, क्या सीक्वेंस है, कौन ज़्यादा पावरफुल विड्रॉइंग है, वो आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पे मैंने इमेज डाल दिया, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आंसर आएगा आपका सी, दैट इज एन ओ टू। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज ऑफ द ऑर्डर, अब हाइड्रोजिनेशन, जब हाइड्रोजिनेशन होता है तो हीट रिलीज होता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो याद रखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ओके। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है स्टूडेंट, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है ना, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो चाहेगा क्या हाइड्रोजिनेट हो? नहीं होगा ना, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, हाइड्रोजन डालोगे तो एरोमेटिक रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये तो हाइड्रोजिनेट होगा ही नहीं, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। सो सबसे लास्ट में मतलब या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड में CH3 अटैच्ड है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, तो ये जल्दी हाइड्रोजिनेट नहीं होगा। सो ये नहीं होगा, इसमें तो बोला है कि ये हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, अपना आंसर क्या होगा? ए, ओके। कई बार एनर्जी भी देते, वैल्यू देते, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जो ज़्यादा स्टेबल है वो लीस्ट हाइड्रोजिनेट होगा, क्लियर। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 वेनेडियम पेंटोक्साइड, या कई बार V5 भी बोलते हैं इसको, ये 4 लिख दिया मैंने, V5, ओके, V2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव्स। नाउ ये रिएक्शन हार्डली कोई बुक में आपको देखने मिलेगा, इसका आंसर है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एसिड क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको मैलिक एसिड क्या होता है, याद करो COOH, ये मैलिक एसिड है, आइसोमेरिज्म चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, ओके। इसका एनहाइड्राइड मतलब H2O निकालना पड़ेगा, H2O जब निकाल दोगे तो क्या होगा, बीच में एक ऑक्सीजन बचेगा, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉल्ड एज मैलिक एसिड। सर बेंजीन में तो 6 कार्बन होता है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही कार्बन है, बाकी 2 कार्बन क्या हो गया, वो इथिन बन जाता है, सॉरी एसिटिलीन बन जाता है, C2H2, ओके। मैकेनिज्म बड़ा कॉम्प्लेक्स है, चाहते हो मैकेनिज्म देखना है तो यहाँ पे मैं इमेज अटैच कर रहा हूँ, ये है इसका मैकेनिज्म, ओके। वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, पढ़ के मतलब नहीं है फिलहाल स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम है, तो याद रखो बेंजीन प्लस V2O5 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, मैलिक एनहाइड्राइड, दैट्स इट। सो दीज वेयर 5 अमेजिंग MCQs जो लास्ट में हमने किए। सो इस तरीके से 33 MCQs टोटल हमने कर लिए। सो स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं। एंड जैसा हमेशा बोलता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल, बाय।